डेविड नंदू, नंदू है इसमें एक छोटा सा एलिफेंट। तो नंदू वेक्स अप, नंदू सोकर के उठता है। नंदू सोकर के उठा, उसने अपनी आंखें खोली और कुछ ही सेकंड्स बाद उसको ये नहीं पता था कि वो कहाँ है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सराउंडेड है। सराउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ। वो घिरा हुआ है एक बड़े से जंगल से, फॉरेस्ट से, जो बहुत ही बिग ग्रेट ट्री है ट्रंक्स के। मतलब ऐसा लग रहा था उसे कितने बड़े बड़े जो वो है ना, जो ट्री है, ट्री का जो ट्रंक होता है, जो ट्री का मोटा सा तना होता है ना, उसको ट्री का ट्रंक बोलते हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि ट्री के ट्रंक जो है वो ग्रे कलर के हो गए हैं। उसने अपनी आंखें और ब्लिंक की, मतलब छप छप करी, और फिर उसने देखा इधर उधर। ओ, फिर उससे लगा कि ये तो अम्मा है, ये तो मेरी मम्मी है। और जो ग्रे फॉरेस्ट उसको लग रहा था वो और कुछ नहीं था, वो तो सारे एलिफेंट के लेग्स थे, उनके पैर थे और उनकी ट्रंक। ट्रंक जो होता है एलिफेंट की, जो ये सूंड होती है ना, इसको हम एलिफेंट की ट्रंक बोलते हैं। तो उसे लगता लग रहा था कि मैं कौन से ग्रे कलर के फॉरेस्ट में आ गया हूँ, मगर वो तो पैर और ट्रंक देख रहा था बाकी एलिफेंट्स की। अब सन जो है वो ओवरहेड सर पे चढ़ने लगा है और अब गर्मी, इट वॉज गेटिंग हॉट, अब गर्मी होने लगी है। तो नानी जो थी नंदू की, उन्होंने ट्रंप किया। वो जो थी ना एलिफेंट की वॉइस होती है पू करके, उसको ट्रंप बोलते हैं, उस वॉइस को ट्रम्पेट की उसने, नंदू की नानी ने, और कहा कि सारे के सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा हो जाओ। तो जो नानी माँ थी वो उस हर्ड की, हर्ड ऑफ एलिफेंट होता है एलिफेंट्स का, हाथियों का झुंड, तो हाथियों के झुंड की सबसे बड़ी थी वो जो नानी थी। और वो चलना स्टार्ट करती हैं जंगल में, और बाकी सारी अदर फीमेल एलिफेंट्स, जो फीमेल औरतें जो होती हैं एलिफेंट्स वाली, मेल होता है आदमी, फीमेल होता है औरत, तो जो औरत होती हैं एलिफेंट्स में, वो सारी की सारी नानी के पीछे पीछे चलने लगती हैं और नंदू भी उनके साथ जो है वो चलने लगता है। फिर वो क्या है, जंगल में अंदर पहुंच जाते हैं और मेंबर्स ऑफ हर्ड, मतलब झुंड के सदस्य, इधर उधर जाने लगते हैं। स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट, मतलब इधर उधर जाने लगते हैं। हर मेंबर जो है, सारे के सारे जो हाथी थे, जिनको जो जो अपना फेवरेट खाना था वो खाने लगते हैं। ये क्या खाते हैं, लीव्स, पत्तियाँ और ट्विग्स। ट्विग्स होती हैं पेड़ की पतली पतली टहनियाँ। तो जिसको जिस तरीके की, जिस हाथी को जिस तरीके की टहनी और जिस तरीके की पत्तियाँ पसंद थी, वो उसको खाने लगते हैं। और जब सारे लोग खाना खा लेते हैं अपना, फिर ये लोग नदी की तरफ जाते हैं। ये देखिए एलिफेंट्स नदी के पास हैं। फिर ये सारे लोग नदी के पास जाते हैं और जो बेबी एलिफेंट्स होते हैं, जो बच्चे एलिफेंट होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको ना पानी में खेल बहुत ज्यादा पसंद होता है। मदर्स जो होती हैं इन एलिफेंट्स की, वो अपने ऊपर मड डाल देती हैं, अपने ऊपर पूरे को, खुद को मिट्टी से भर लेती हैं, और बैंक के किनारे, जब नदी के किनारे जाती हैं ना, तो खुद को पूरा मिट्टी से भर लेती हैं और अपने ऊपर पानी भी छिड़कती हैं। फिर इसमें हमें बताया गया है कि आपको पता है कि एक एडल्ट एलिफेंट एडल्ट होते हैं जो पूरी तरीके से बड़े हो जाते हैं, जैसे आपके बच्चों के मम्मी पापा वो एडल्ट होते हैं, तो ऐसे ही जो एलिफेंट होते हैं बड़े, वो खा सकते हैं 100 किलो, 100 kgs ऑफ लीव्स, पत्तियाँ और ट्विग्स, पेड़ की टहनियाँ वो खा सकते हैं एक दिन में। और एलिफेंट बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं। हम लोग तो 8-8 घंटे सोते हैं ना, 8-8 घंटे, एलिफेंट इतना ज़्यादा नहीं सोते हैं, वो लोग 2-4 घंटे ही सोते हैं एक दिन में। एलिफेंट्स को मिट्टी से और पानी से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और जो मड है, मिट्टी है, वो उनके शरीर को ठंडा रखती है। उनके कान जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं फैन के, और एलिफेंट जो है अपने कान को फ्लैप करते हैं, हिलाते हैं, ताकि वो अपनी बॉडी को ठंडा रख सके। फाइंड आउट, नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड बट ही वेट्स 200 kg, वॉट इज योर वेट? अब अगर आपका कितना वेट होगा, आप 4th class में हैं, आप अराउंड 10 years के होंगे, तो आपका वेट अराउंड 25 kg तो होना ही चाहिए। तो आप अपना वेट जो भी है वो लिख सकते हैं। फिर आप कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट? आपको क्या पता है, अगर आप मान लीजिए 25 kg के हैं, तो 200 kg बनाने के लिए 25 से आपको कितने बच्चों का वेट ऐड करना पड़ेगा? तो 25 × 8 होता है 200। तो आप 25 × 8, 8 बच्चों का वेट आप जब ऐड करेंगे तो नंदू का वेट बन जाएगा। नंदू 200 kg का है, नंदू एलिफेंट है। अब देखिए ये कैसे करके खेल रहे हैं सारे के सारे एलिफेंट्स बच्चे जो हैं, कैसे करके एक दूसरे के ऊपर पानी डाल डाल करके खेलते हैं, है ना।
देखिए फन एंड गेम्स। नंदू अपने भाई और बहनों को देखता है कि वो एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं और वो सोचता है कि मैं इनके पास नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं तो छोटा सा हूँ, अगर ये मेरे पे गिर गए तो मेरा क्या होगा, मेरी तो जान ही निकल जाएगी। वो अपनी मम्मी के पास खड़ा रहता है वो, मगर उसकी अम्मा जो है वो नंदू को पानी की तरफ धक्का देती है क्योंकि वो चाहती है कि वो पानी में जाए और अपने जो कजिन्स हैं, अपने भाई बहन हैं, उन सबके साथ खेले। नंदू को भी पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। उसके जो कजिन्स थे वो ऑलरेडी पानी में थे। फिर वो उनके पास गया, जैसे ही वो उनके पास गया एक बड़ा सा फाउंटेन जो है पानी का, फाउंटेन होता है पानी का फव्वारा जो ऊपर से उठ के आता है। अब देखिए जो एलिफेंट्स है ना, ये देखिए ऐसे करके ये पानी का फव्वारा डालते हैं अपनी सूंड से, इनका जो ट्रंक होता है उससे। फिर उसके ऊपर ऐसे डाला उसके कजन ने और वो पूरा का पूरा गीला हो गया। और उसको फिर नंदू ने भी इस गेम को ज्वाइन कर लिया और उसको बहुत मजा आ रहा था पानी में इस तरीके से खेलते हुए। फिर सनसेट, सनसेट होता है जब हमारा सूरज डूबने लगता है। तो सनसेट से पहले पहले पूरा का पूरा हर्ड जो झुंड था वो जंगल की तरफ वापस जाने लगा। इस टाइम तक नंदू को बहुत ज्यादा थकान हो गई थी और उसने खुद को अपनी मम्मी के, जो उसकी मम्मा के पैर थे उनके बीच में रखा अपना, और अपनी मम्मा का दूध पिया उसने और फिर वो सो गया। अब इसमें बता रहे हैं आपने नंदू के और एलिफेंट के हर्ड के बारे में। एलिफेंट का हर्ड होता है एलिफेंट का झुंड, जो लोग साथ में रहते हैं जब एक साथ ही, तो उन्हें हर्ड कहते हैं। तो एलिफेंट के हर्ड में मेनली फीमेल्स होती हैं, औरतें होती हैं और बेबी एलिफेंट, बच्चे एलिफेंट होते हैं। ओल्डेस्ट फीमेल जो होती है, सबसे बूढ़ी फीमेल, वो झुंड की लीडर होती है। और हर्ड में 10 से 12 फीमेल्स होती हैं और छोटे छोटे बच्चे होते हैं। 10 to 12 फीमेल्स एलिफेंट होती हैं और बाकी छोटे बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट हर्ड में सिर्फ 14 से 15 ईयर्स तक की एज तक ही रहते हैं, उसके बाद वो लोग जंगलों में अकेले ही घूमना पसंद करते हैं। नंदू भी एक मेल एलिफेंट है तो जब वो बड़ा हो जाएगा वो भी झुंड को छोड़ देगा। फिर एलिफेंट्स की तरह कुछ और जानवर हैं जो लोग साथ में रहते हैं, जो जानवर हैं। अब वो उनके जो झुंड है, एनिमल्स के ग्रुप को देखे बताते हैं, उनको हम हर्ड कहते हैं। एनिमल्स जो है हर्ड में साथ में रहते हैं और खाना ढूंढते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, इफ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू। तुम अगर नंदू होते और तुम झुंड में रहते तो तुम किस तरीके की चीजें जो है वो करते। तो इफ आई वर नंदू आंसर लिख सकते हैं, आई वुड प्ले। अगर मैं नंदू होता, इफ आई वर नंदू आई वुड प्ले, आई वुड डांस, रन, ईट द होल डे एंड इन द नाइट आई स्लीप विद माई मॉम। अगर मैं नंदू होता तो मैं पूरे दिन खेलता, डांस करता, गाने गाता, खाना खाता और रात में अपनी मम्मी के पास सो जाता। नेक्स्ट है, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग, हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। एलिफेंट के झुंड में जो ओल्डेस्ट, सबसे बड़ी फीमेल होती है, वो सब कुछ डिसाइड करती है। तो आपके घर में कौन डिसाइड करता है? तो आप कह सकते हैं मम्मी पापा दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं। तो इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय डैड एंड मॉम टुगेदर। फिर है मेक अ कोलाज। अच्छा, कोलाज का मतलब देखिए होता है ग्रुप ऑफ पिक्चर्स। आप बहुत सारी पिक्चर्स को इकट्ठा करके अगर एक बोर्ड पर पेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका कोलाज बन जाता है। फिर क्वेश्चन है, नंदू डिड थिंग्स ही लाइक टू डू, इफ यू कुड स्पेंड अ होल डे विद योर फ्रेंड्स व्हाट ऑल वुड यू डू। नंदू वो सारी चीजें करता था जो उसको करना पसंद थी। अगर आप अपना पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करें तो आप क्या क्या करना पसंद करेंगे? तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, आई वुड, इफ आई कुड स्पेंड, अगर मैं अपना पूरा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर सकूं, इफ आई कुड स्पेंड अ होल डे विद माय फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू डू फॉलोइंग थिंग्स, जैसे कि आई वुड सिंग, आई वुड डांस, ईट, प्ले, टेल स्टोरीज, वी विल टॉक अबाउट गोस्ट, इस तरीके की, और हम बहुत सारा मजा करेंगे एंड वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन। नेक्स्ट है, देखिए फाइंड आउट एंड राइट अबाउट अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड। तो देखिए बहुत सारे एनिमल्स हर्ड में रहते हैं, जैसे कि काउज, काउ भी झुंड में रहती हैं, बफलोज और डियर, डियर भी झुंड में रहते हैं, जिराफ्स, ज़िब्रा, ये सारे के सारे लोग झुंड में रहते हैं। अब डू यू ऑल्सो लिव इन ग्रुप, डू यू लाइक टू लिव टुगेदर, और क्या आप भी
साथ में रहते हैं सबके, और क्या आपको सबके साथ रहना पसंद है? तो ये हमें मतलब बताया गया है। तो अच्छी बातें किसी के साथ रहने की और बुरी बातें। अच्छी बातें तो होती हैं कि वी कैन एंजॉय विद अदर्स, हम सबके साथ मजे कर सकते हैं। वी कैन हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वी कैन एंजॉय, वी कैन हेल्प, वी कैन गेट सिक्योरिटी, हमें अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि हाँ सब साथ में हैं। बुरी चीज़ें, क्वेरल्स, समटाइम्स हम, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, कई बार हम झगड़ा कर लेते हैं और हम पूरी तरीके से फ्री नहीं रह पाते, हमें दूसरों की बात माननी पड़ती है, तो ये सब लिख सकते हैं। हाउ डू एनिमल फील व्हेन दे कैप्ट इन चेन, एनिमल्स को कैसा लगता होगा जब उन्हें चेन में बांध के रखा जाता है? तो देखिए नहीं अच्छा लगता किसी को भी चेन में बंद करके रहना, है ना, तो नहीं उनको अच्छा लगता होगा। तो एनिमल्स एंड ऑल जो भी हैं, एलिफेंट्स डू नॉट लाइक टू लिव इन चेन्स, नहीं लगता अच्छा। हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एलिफेंट? हाउ, येस आई हैव टेकन, क्या आपने कभी एलिफेंट पे राइड ली है, सवारी खाई है आपने, एलिफेंट पे बैठ करके घूमे हैं? अगर हाँ तो आपको कैसा लगा? तो अगर हाँ तो देखिए, येस आई हैव टेकन राइड ऑन एलिफेंट, हाउ डिड इट फेल्ट? इट फेल्ट वेरी गुड, आई वॉज फीलिंग लाइक आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मुझे लगा कि मैं तो दुनिया में सबसे ऊपर हूँ। आई फेल्ट लाइक आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे करके लिख सकते हैं। Which animals have you sit on? Write their names. आप किस किस एनिमल के ऊपर बैठे हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। तो आई सेट ऑन, आप कह सकते हैं आई सेट ऑन हॉर्स, आप हॉर्स पे बैठे हैं, और आप कह सकते हैं आई सेट ऑन एलिफेंट, आई सेट ऑन कैमल, डोंकी, बफलो, जिस जिस पे बैठे हैं आप बता सकते हैं। फिर है यू मस्ट हैव सीन, आपने काफ़ी सारे एनिमल्स देखे होंगे अपनी किताबों में, मूवीज में। कुछ लोग अकेले रहते हैं और कुछ लोग झुंड में रहते हैं, तो इनके बारे में आपको फाइंड आउट मोर एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स। तो आप डॉग के बारे में लिख सकते हैं, आई हैव सीन डॉग्स, आई हैव सीन सो मैनी स्ट्रीट डॉग्स, दे आर ओबीडियंट एनिमल, दे गिव अस सिक्योरिटी फ्रॉम थेफ्ट, और वी फीड देम विद राइस, मिल्क, मीट, और इस तरीके की चीज़ें आप लिख सकते हैं एनिमल के बारे में, है ना। फिर थिंक एंड राइट, वाई डू यू थिंक द ईगरेट इज सिटिंग ऑन द बफलो, आपको क्यों लगता है कि ईगरेट जो है वो बफलो पे बैठती है? ईगरेट जो है वो फ्रेंड होती है बफलो की, और क्या करती है, ईगरेट जो होती है ना वो उसके उस पे से बफलो में से निकाल निकाल के कीड़े खाती है। तो क्या होता है, इससे बफलो का, बफलो साफ हो जाता है, उसके कीड़े हट जाते हैं बॉडी से बफलो के, और ईगरेट को खाना मिल जाता है। तो ईगरेट इज अ फ्रेंड ऑफ बफलो, इट ईट्स द इंसेक्ट फ्रॉम स्किन ऑफ बफलो, वो बफलो के उस स्किन में से जो है इंसेक्ट खाती है। तो इट ईट्स इंसेक्ट्स फ्रॉम स्किन ऑफ बफलो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, आपने क्या कभी देखा है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल पे राइड कर रहा हो, चढ़ के बैठा हो? तो हाँ, ईगरेट राइड करती है बफलो पे, आई सॉ ईगरेट, स्पैरो, अदर बर्ड्स सिटिंग ऑन बफलो एंड काउज, ऐसे करके। द एनिमल विच गिव्स द राइड, एनिमल जो राइड देते हैं बफलो गिव्स द राइड, है ना, बफलो अपने पे घुमाती है, कई बार बहुत सारी बर्ड्स डॉग्स पे भी आके बैठ जाती है, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। विच एनिमल्स डू वी यूज फॉर राइडिंग, हम किस एनिमल पे राइड करते हैं? हम हॉर्स पे करते हैं, कैमल पे करते हैं, और हम लोग एलिफेंट पे भी करते हैं, हॉर्स, एलिफेंट, कैमल आप लिख सकते हैं। विच एनिमल्स डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड्स, हम सामान उठाने के लिए किन किन का इस्तेमाल करते हैं? हॉर्स, एलिफेंट, गधे का, एस का, कैमल का, बैल, ऑक्स, तो ऑक्स, एस, कैम, ओ एक्स, ऑक्स, ए एस एस एस, एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, ऐसे करके। फिर आपको अपना एलिफेंट बनाना है, आप ऐसे करके बना सकते हैं, और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं व्हाट डू दे से ये क्या कहते हैं। तो देखिए, सांप कहता है कि लोग मुझे बास्केट में रखते हैं बंद करके, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो जंगल में घूमना पसंद है, हवा में खुली। फिर बियर कहता है कि वो मुझसे डांस कराते हैं सर्कस में, क्या आपको लगता है कि मुझे रिंग में कूदना अच्छा लगता है? मुझे नहीं अच्छा लगता, अगर मैं कूदता नहीं हूं तो मुझे खाना भी नहीं मिलता, ये बियर कहता है। हॉर्स क्या कहता है, ये मुझे मारते हैं और मेरे को भगाते हैं, मेरे को हॉर्स शू पहनाते हैं दौड़ाने के लिए, उससे मुझे हूव्स पे, हूव्स होते हैं जो घोड़े के पैर होते हैं ना, बीच में से बटे हुए से होते हैं, उनको हूव्स बोलते हैं।
उसके पैरों को, हूव्स में मुझे पता नहीं क्या क्या पहनाते हैं, उससे मुझे दर्द होता है। हॉर्स ये बोलता है, मंकी बोलता है ये मेरे से डांस करवाते हैं और मेरे को खाना भी नहीं देते, मुझे भूख लगती है और कहीं जाने नहीं देते। तो मंकी ये कहता है। बिल्ली कहती है मैं म्यू म्यू करती रहती हूँ, मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ, बच्चे मुझे बड़ा प्यार करते हैं और मुझे दूध भी देते हैं। स्पैरो बोलती है मैं गुटरगू करती रहती हूँ और सब लोग मेरे को जो है ग्रेन देते हैं, दाना देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है डिस्कस वगैरह ये सब तो ठीक है, इतना इसमें आप कलर कर सकते हैं।